अस्सलाम दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं पीर पहलवान शाह दुल्हा रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार मुबारक के बिल्कुल ठीक सामने। आज उनका उर्स मुबारक है और इस वक्त हम बात करेंगे पीरजादा दानिश अहमद चिश्ती से, जो अपने एहसास रखेंगे आपके सामने। क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अलैहि वरकातुहू। इरादे लाख बनते हैं और बन के टूट जाते हैं, वही दरबार आते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। माशाल्लाह, ये सरजमीन ममरा पर सबसे बुजुर्ग तरीन हस्ती है हज़रत पीर पहलवान शाह दुल्हा असदुल्ला नशवी रजी अल्लाह ताला अन्हा। आपका ताल्लुक इराक से हैं, आप आले नबी औलाद अली हैं और गुज़िश्ता 35 सालों से यहाँ पर उर्स मनाया जा रहा है और ये उर्स फज़ल मौला ट्रस्ट की जानिब से मनाया जाता है, जिसके बानी कौसर इस्माइल सिद्दीकी साहब है, जो माशाल्लाह यहाँ पर 35 सालों से गुज़िश्ता खिदमत कर रहे हैं और उर्स को अंजाम दे रहे हैं। ये फज़ल मौला ट्रस्ट इनकी ट्रस्ट है जिसके बानी कौसर इस्माइल सिद्दीकी साहब है और ये माशाल्लाह ये वन मैन आर्मी है, जैसा लोग कहते हैं ना, एक अकेला पूरी फौज है वो। कौसर इस्माइल सिद्दीकी साहब जो है वो एक तनहा है और उनकी टीम में और उनके हलके में ना जाने कितने ऐसे मुजाहिद होंगे, लेकिन जो हमें जो दिखता है फेस पे वो एक ही शख्स दिखता है, कौसर इस्माइल सिद्दीकी, जिनको यहाँ पर मुमरा में कोई कौसर साईं कहता है, कोई कौसर बाबा बोलता है, अपने अपने मोहब्बत के तकाजे से लोग उन्हें पुकारते हैं। और माशाल्लाह मुझे इस आस्थाने पर मुसलसल 20 साल हो गए हाजिरी देते हुए और जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से मुसलसल मेरी हाजिरी हो रही है, लेकिन मैं जब भी इस दरबार में हाजिरी देता हूँ तो मुझे एक कुछ नया दिखता है यहाँ पर। दिन ब दिन यहाँ पर दरबार में तौसी का काम जारी है। जब मैं आता था तो फर्श एकदम कच्ची थी, छत नहीं था, कुछ नहीं था, रास्ते आमदोरफ्त के लिए रास्ते क्लियर नहीं थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह कौसर इस्माइल सिद्दीकी साहब की खिदमत से इस दरबार को 4 चांद लग गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह शाहाना शान तरीके से दरबार बरपा है, फर्श स्पाटेक्स लगी आप देख रहे हैं, रोशनी की काफी अच्छी खासी क्या इंतजाम मैसेज है। देंगे आलम इस्लाम को कि बुजुर्ग तरीन हस्ती का मेरा कहना मुबारक? आलम इस्लाम से तो है ही है, लेकिन जहाँ तक कि मेरी गुजारिश है, मौतबाना गुजारिश है मुमरा बाशिंदागानी मुमरा के लिए, कि वो यहाँ पर इस आस्थाने पर जिस तरह से मुमरा की लगभग आबादी 15 लाख के लगभग बताई जाती है, लेकिन उस तरह से यहाँ पर पब्लिक का आमना आना जाना नहीं है। लेकिन माशाल्लाह मैंने जो शुरुआत में एक शेर कहा था, इलादे लाख बनते हैं और बन के टूट जाते हैं, वही दरबार आते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। हाँ, बड़े बड़े साओं, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार लोग नीचे बैठे हैं, लेकिन जिसको सरकार से उनसियत है, जिसको सरकार से मोहब्बत है, वही लोग हाजिरी के लिए आते हैं। और माशाल्लाह आज 3500 फीट ऊपर पहाड़ी है, ये 3500 फीट ऊपर पहाड़ी है और लोग हाजिरी देते हैं। और हमारे मंजूर भाई हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह के यहाँ के खादिम हैं, वो भी मुसलसल कई सालों से हाजिरी दे रहे हैं और माशाल्लाह अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ यहाँ पर आते हैं, संदल लेके आते, अपने हजरत के साथ आए हुए हैं वो। माशाल्लाह संदल पेश किया और चादर शरीफ पेश की उन्होंने। मैं मंजूर भाई से कुछ कहूंगा कि वो भी कुछ कहें। वालेकुम मैं भाई, तो बोला माशाल्लाह, हम उस टाइम में आते थे, मैं जब 14 साल का था जब पहलवान साहब आते थे कुछ नहीं था, आज अल्हम्दुलिल्लाह कौसर बाबा को मानना पड़ेगा, खादिम बहुत खिदमत करे, आज माशाल्लाह पब्लिक अच्छी आ रही। पहले तो दिनों से ना 3 या 4 आते थे और 7 बजे के बाद कोई रुकने नहीं देते थे इधर कोई भी, आज अल्हम्दुलिल्लाह रात भर पब्लिक रह रही है, महफिल हो रहा है, हर चीज हो रहा है। ये सरकार जिसको एक चीज बुलाए देखिए कि जो दरबार की दीवारें थी वो उसमें भी पुरानी दीवारों को ऊंचा ऊंचा करके करके माशाल्लाह, और बहुत पहले ये आज कुछ भी नहीं था, पत्रे वितरे देखा, दीवार आती थी नीचे से सरकार का तीन झंडा सरों पे कायम दो है दो जब फुट से। की दीवार थी जब हम लोग आते थे जूने में, दो दो फुट की दीवार थी। आज माशाल्लाह मानना पड़ेगा कौसर बाबा को, बहुत माशाल्लाह खिदमत करके, बहुत जो चाहने वाले रहते हकीकतमंद लोग वो आ रहे, ज्यारत कर रहे जा रहे। आज मैं देख रहा कल गुसुल में भी माशाल्लाह बहुत पब्लिक थी, सुबह 5 बजे तक पब्लिक उतर रही चढ़ रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह संडल में भी लेडीज, माई माँ बहन, मैं तो ऐसी उम्र वाली लेडीज देखा जो 50 साल 60 साल की है, जैसा हाजी मलंग सरकार जाते हैं, और ये तो उनकी मर्जी है, बुला रहे जिसको बुलाना चाहे। अभी जानी जानी शायरी बोले ना, लिया रे लाद बनते हैं टूट जाते हैं, वही आते हैं जिसको पहलवान साहब बुलाते हैं।